और झारखंड के जमशेदपुर पुलिस के द्वारा कदमा शास्त्री नगर में हुए हिंसा के मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद चंदन चौबे की गिरफ्तारी के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला और जिले में कामकाज बाधित कर दिया गया। वहीं स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और RDBA के सचिव ने कहा है कि अधिवक्ता को हथकड़ी नहीं लगाना था। अधिवक्ता चंदन कुमार SSP से दबंगइयों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उनसे मिलने गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, अधिवक्ता चंदन को हथकड़ी लगाई गई जो कि नियम के खिलाफ है और इसी का लगातार अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात फिर से बतलाना चाहता हूं कि पुलिस के सामने, सरकार के सामने सब कौन है। पुलिस जो चाहती है वो वही करती है और उसका कोई भी जो है उसका कोई भी काट नहीं है। अब जहाँ तक बात है टाटा में अधिवक्ता को हथकड़ी लगाने की, वो तो बात सेकेंडरी हुई। पहली बात है कि अधिवक्ता पुलिस मुख्यालय में दरखास्त देने के लिए गए थे और वहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया सुबह के समय में। जमशेदपुर की घटना है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वकील और कोर्ट जो है वो पार्ट पार्सल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मान लीजिए किसी भी प्रकार का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा जजमेंट है कि किसी भी अधिवक्ता को तो छोड़ दीजिए, बल्कि किसी भी जो एक आम व्यक्ति के साथ भी अगर किसी प्रकार का कुछ वैसा इंसिडेंस होता है तो उसको भी न्यायालय में उपस्थित करने के दरमियान में हथकड़ी लगा करके, भेड़ बकरी के तरह हथकड़ी लगा के लाने का नियम नहीं है। देखिए,